मेन रहता है रोल मसाले का, जितना अच्छा मसाला भुजाएगा और अच्छा पकेगा उतना मस्त चिकन खाने में लगेगा, नहीं तो फिर वैसा ही लगेगा। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप सभी का नया ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों तो अभी समय हम लोग का 7:30 बज चुका है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अभी साइड पे पहुंचे हैं। ये देखिए इधर ही मशीन अभी खड़ी है, इसका टार्बो गया अभी तक नहीं आया। देखिए चारों तरफ पत्रे का बाउंड्री लग रहा है, ये देखिए पूरा लग रहा है, वो पीस वगैरह भी आने लगा है क्योंकि अब आधा काम कंप्लीट हो गया है। तो आधा में काम शुरू करने वाले हैं कंपनी बिल्डर, और आधा बाद में परमिशन आता है ब्लास्टिंग का, तब उधर हो, उधर ये इधर काम भी होगा और उधर फाउंडेशन का भी ब्लास्टिंग का काम चलेगा उधर मशीन वाला। तो चलिए अभी इधर आके बैठे हैं, जब तक सेट आएगा अभी फिर जाना है दूसरा साइड पे। तो देखते हैं कब तक आते हैं, अभी 8:30 बज चुका अभी तो आए नहीं है। दूसरा साइड पे आ गए हैं, देखिए मशीन इधर ही कल ही खड़ा करके गए थे। तो चलिए अभी कल डीजल खत्म हो गया था, डीजल लाए हैं, चलिए भर लेते हैं। अभी डाल रहे हैं अभी मशीन में, ये भी डाल ले रहे हैं, हम भी डाल लेंगे अभी। ये देखिए डाल ले रहे हैं, ये देखिए चलिए भी डीजल डाल लेते हैं। दोस्तों हम लोग डीजल डाल लिए हैं और अभी सेठ बोल दिया कि इधर थोड़ा मारने का था परिकर, तो इधर बोल दिया नहीं, इधर होल बैठेगा, आगे हार्ड लग गया है। तो चलिए अभी वो पीछे तरफ मशीन देख सकते हैं, तो उधर अभी जाके ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए मशीन लेके चलते हैं और उधर ब्रेकिंग करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं अभी दोस्तों, लेके जा रहे हैं मशीन अभी, देखिए चालू कर लिए हैं, ऑयल पानी सब चेक कर लिए और चालू कर रहे हैं, डीजल भी डाल लिए हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग करेंगे, ये उधर जाके वो साइड तरफ देख सकते हैं मशीन पीछे तरफ दिखाई देता होगा यहाँ से। चलिए लेके चलते हैं वहाँ पे अभी देखते हैं कि जो इन है, ये देखिए उधर ब्लास्टिंग का चल रहा था तो ऊपर ही देख सकते हैं, तो उसका चैन उतर गया है, ये देखिए चैन उतर गया है। तो अभी इधर लेवल में ला के उसको बैठाना पड़ेगा। ये देखिए ला रहे हैं अभी कैसा करके, खींचते खींचते ला रहे हैं, ये देखिए अपने ईसाई चैन उतर जाने से ईसाई पर दिक्कत होता है। ये देखिए धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके एक चेन से लाना पड़ रहा है, ये एक ही चेन चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं सामने से, ये देखिए एक ही चेन चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ऐसा ही करके हल्का स्विंग करके और एक एक चेन से चला रहे हैं। देखिए एक ही चेन चल रहा है, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए ऐसा ही करके लेबल ला के भी वो उसका मास्टर पिन निकाल के उसका फिर चेन चढ़ाना पड़ेगा। मशीन और घिसाते घिसाते कहाँ आ गया, ये देखिए एक चेन का मार्चिंग करते हुए आ रहे हैं, ये देखिए एक ही चेन चल रहा है, ये देखिए इधर बूम से हल्का लोड दिए, ये देखिए मार्चिंग कर ले रहे हैं। अब आ गए हैं, रात हो गया है, तो चलिए अभी चिकन ले लेते हैं दोस्तों। तो चलिए अभी चिकन दुकान पे आ गए हैं, देख सकते हैं, चलिए चिकन लेते हैं। ये देखिए चिकन ले रहे हैं अभी, कितना दे रहे, 1 किलो हो गया। तो हम लोग उधर से आ गए हैं अभी, देखिए चिकन वगैरह लेके यार, चलिए अभी बनाने के लिए स्टार्ट कर दिए हैं। तो लहसुन वगैरह सब छोड़ रहे हैं, प्याज वगैरह सब अभी भैया देखिए भूनने लगे, चलिए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इधर रोटी पक रहा है, पका ले रहे हैं, और इधर देखिए देखिए प्याज को भी भून दे रहे हैं, देखिए प्याज ही डाले हैं, ये देखिए चलिए, और इधर देख सकते हैं अभी डालने वाले हैं आज चिकन बनाने में। ये देखिए लहसुन मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना लिए हैं, अच्छी तरह से धो लिए हैं, इधर देखिए चिकन है दोस्तों, ये देखिए अच्छी तरह से प्याज को भी लाल होने तक पहले भूंजेंगे और मसाला को उसके कुछ देर के बाद मसाला डाल देंगे। अभी डाल दिए हैं कूटा हुआ पेस्ट मसाला, ये देखिए चलिए अभी हम लाल होने तक पहले भूंज लेते हैं प्याज को और मसाला को। उसमें कलेजी पोटा था वो देख सकते हैं, हम लोग अच्छे से पहले तेल में फ्राई करके निकाल लिए हैं ऐसे खाने के लिए। तब तक उधर प्याज हमारा भुजा रहा है, तब तक इधर हम लोग मसाला क्या क्या डालने वाले हैं चलिए अभी दिखाते हैं आप लोग को। और ये देखिए अभी हल्दी थोड़ा निकालें, सारा मसाला ये थाली में निकाल लेते हैं, सारा मसाला निकाल दिए, सारा मसाला निकाल लिए। अभी देखिए चिकन मसाला ये है काली मिर्च,
थोड़ा निकाल दिए सब्जी मसाला। हम लोग देख सकते हैं हम लोग सारा मसाला भी निकाल लिए। हम लोग ज्यादा मसाला यूज नहीं करते हैं, देख ही सकते हैं इतने ही सारा मसाला में डाल के भी 1.5 किलो चिकन बनने वाला है दोस्तों, इतना ही सारा मसाला में, क्योंकि हम लोग ज्यादा मसाला यूज नहीं करते हैं कभी भी। क्या है, मसाला खाने से कोई मतलब नहीं रहता है, हानिकारक ही रहता है, जहाँ तक फायदा कुछ नहीं है, सिर्फ हानि होता है मसाला खाने से। फिर लेकिन स्वाद के लिए तो फिर कुछ तो डालना ही पड़ेगा दोस्तों। हम लोग का प्याज भुंजा गया, देखिए मसाला डाल दिए हैं। चलिए अभी मसाले को भी अच्छी तरह से, जैसे प्याज भूंजे प्याज को भी भूंज लेते हैं। प्याज भुंजा गया है, अब जाइए मसाला को अच्छी तरह से भूंज लेते हैं पूरा, क्योंकि मसाला ये पूरा नहीं भुंजाएगा तो खाने में मजा ही नहीं आएगा। इसकी वजह जितना अच्छा से मसाला भुंजाएगा उतना अच्छा से टेस्टी चिकन बनेगा। तो देख सकते हैं कि मसाला हमारा कैसा लाल हो चुका है भुंजा के। तो चलिए अभी डाल देते हैं चिकन, चिकन भी अच्छी तरह भूंजेंगे भी। अब आज बनने वाला है मज़ेदार चिकन करी, देखिए डाल दे रहे हैं अच्छी तरह फ्रेश चिकन, कितना दिख रहा है देखिए। ये भी डाल देते हैं दोस्तों, ये देखिए आज हमारा चिकन बनने वाला है चिकन करी, ये देखिए दोस्तों देख सकते हैं। मसाला अच्छा तरह से पहले भूंज लिए थे, क्योंकि चिकन का मेन रहता है रोल मसाले का, जितना अच्छा मसाला भुंजाएगा और अच्छा पकेगा उतना मस्त चिकन खाने में लगेगा, नहीं तो फिर वैसा ही लगेगा खाने में। इसकी वजह से हम लोग सबसे पहले मसाले को अच्छी तरह भूंजते हैं, पकने देते हैं, उसके बाद देखिए अभी कैसा दिखता। चलिए कुछ देर के ढक दिए अभी, अभी पानी छोड़ेगा चिकन से, और अभी उसको तरह भूंज के थोड़ा रस्सा करने वाले हैं, क्योंकि बना है पोटा हम लोग भूंज लिए थे, तेल फ्राई कर लिए थे। तो चलिए इसको हम लोग खाते हैं, तब तक उधर बन रहा है देख सकते हैं, रोटी पक गया है, चलिए भी खाते हैं कलेजी पोटा। दोस्तों कितना मस्त आज हमारा बन रहा है, ये देखिए कितना मस्त चिकन बन रहा है आज हमारा, ये देखिए खाने में तो आज मजा ही मजा आएगा दोस्तों। देखिए कितना मस्त बन रहा है आज, पूरा मसालेदार, ज़्यादा मसाला नहीं डाले हैं, पूरा मसाला पूरा लाल होने तक पूरा भूंजे, तो इसका वजह से कलर दिख रहे हैं, दिखाई दे रहा है कितना मस्त दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्योंकि हम लोग मसाला वगैरह सब पहले डाल के पहले भूंज लिए थे, उसके बाद चिकन डाले, इसके वजह से ऐसा बन रहा है ना। तो हम लोग पहले कैसा बनाते थे कि पहले चिकन भूंज लेते थे, प्याज वगैरह भूंज लेने के बाद चिकन भूंजते थे, उसके बाद मसाला लास्ट में भूनते थे, वो चिकन पानी छोड़ देता था तो उतना अच्छा नहीं, इसीलिए पहले हम लोग आज पहले मसाले को ही भूंज लिए हैं, उसके बाद चिकन डाले हैं लास्ट में। तो ये देखिए इतना मस्त बना रहा, कैसा दिख रहा है देख सकते हैं। तो खाने में इतना दिखने में इतना मस्त लग रहा था, खाने में कितना मस्त लगेगा दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं। चलिए अभी तो थोड़ा और पकने देते हैं, और ज़्यादा रस्सा नहीं बनाने वाला है, क्योंकि चिकन में क्या है ज़्यादा रस्सा बनाएंगे तो क्या खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसकी वजह से थोड़ा सा पानी डालेंगे। और रोटी ऐसी भी तो रोटी खाना है तो मस्त रहेगा, मज़ा ये आ जाएगा आज, ये देखिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग खाना बन चुका है। चलिए अभी खाने के लिए निकाल लिए, देखिए सब भैया सब भी खा रहे हैं अभी, चलिए हम भी खाते हैं ना, कैसा बना है आप लोगों को बताते हैं दोस्तों, क्योंकि आज बना तो बहुत मस्त है। देख सकते हैं कितना मस्त, बिल्कुल पानी नहीं डाले आज, लेकिन पूरा सूखा ही बनाया यार, देखिए मजा नहीं लगता, हल्का पान डाले एक हल्का माता का जी खेला कैसे खा दी। खाने में तो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों आज, क्योंकि पानी नहीं पड़ा है इसके वजह इतना टेस्ट लग रहा है, और हम लोग पानी इसकी वजह से नहीं डाले क्योंकि रोटी खाने वाले हैं, और थोड़ा सा भात है तो मसाले के साथ भी उतना चावल खा सकते हैं, तो खाने में मजा आ रहा है, चलिए भी खा गए हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों।